Welcome back to our channel. I am Priyanka. I am Nikhil. And you are watching Priyonic Vlogs. So happy Holi to all of you guys. Happy Holi. होली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. और आज है छोटी होली, होली से एक दिन पहले. तो कल होली है और आज के छोटी होली में हमारे कुछ छोटे छोटे दो तीन प्लान्स हैं, जिस प्लान के लिए आज हमने थोड़ा सा सोचा कि इसको शूट करा जाए और ब्लॉगिंग करा जाए आज के लिए. सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं अपना थोड़ा सा नियर बाय लोकल मार्केट. हमें एक्चुअली प्रियंका को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग लोकल मार्केट जा रहे हैं कुछ गुलाल वगैरह लेने के लिए. एंड बाकी आपको एक बार नॉर्मली दिखाते हैं कि क्या इस बार क्या डिफरेंट है हमारी इस कोविड वाली आफ्टर कोविड होली पे. तो हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वापस आने के बाद हम शेयर करने वाले हैं होली की सबसे स्पेशल मिठाई की रेसिपी, मींस गुजिया. यस, तो हमारे गुजिया में ट्विस्ट क्या होने वाला है. गुजिया तो सब बनाते हैं होली में, हमारे गुजिया में प्रियोनिक व्लॉग्स के गुजिया में क्या ट्विस्ट होने वाला है पता है आपको. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि हमारे गुजिया में ट्विस्ट क्या है. वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में प्लीज बने रहिए. तब तक हम चलिए मार्केट चलते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आके गुजिया बनाते हैं. सो हम लोग जैसे ही मार्केट में पहुंचे अपने कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहां पर हमें एक बहुत ही ये इनोसेंट सा बच्चा मिला. स्वीट सा बच्चा था बहुत, जो कि पिचकारी लेने का डिमांड कर रहा था. तो बहुत ही सैड की बात ये है कि उसके पैरों में ना चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, वो नंगे पैर था. तो हमें ये चीज़ देख करके काफ़ी मतलब सैड फील हुआ और हमने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि इसको हम अब एक शॉप में लेके जाते हैं और सबसे पहले तो इसको एक चप्पल दिलाते हैं, देन हम बाकी का काम अपना करेंगे. सीरियसली गाइस, काम तो हम अपना करने के लिए निकले थे, बट हमें ये काम करके आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. साथ ही साथ फेस्टिवल का भी टाइम है और ये हेल्प करके, एक छोटी सी हेल्प करके, बहुत बड़ी हेल्प हमने नहीं करी है, बट ये छोटी सी एक हेल्प करके हमारे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है और हमें बहुत अच्छा फील हुआ है. स्कूल जाते हो, क्या करते हो? पॉलिश. अच्छा, आप पॉलिश करते हो? ओके. देखो मैडम, जो फ्लाई ओवर के नीचे बैठे रहते हैं. अच्छा, जो लोग खुद काम चलाते हैं जूते पॉलिश करके, उन्हीं के ही पैर में देखिए जूते नहीं है. कितना बुरा लगता है ये देख के. तुम हैप्पी हो? हाय करो. क्या बैठ जाइए. फ्लाइंग किस. तुम बच्चे बिगाड़ रही हो. बाय बाय, हैप्पी होली बोल रहे थे. हैप्पी होली भैया. बाय. चल. सो अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट में थोड़ी सी होली की शॉपिंग करने, और यहाँ पर हमारे साथ है अपना नाम लालचंद जी. तो इनसे हम थोड़े से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पूछते हैं. तो जैसा कि इस साल का होली और पिछले साल के होली से इस साल का होली थोड़ा सा डिफरेंट तो है, क्योंकि कोविड के वजह से जो भी सिचुएशन है, तो बस यही क्वेश्चन हमें करने हैं कि क्या इस साल का फ़र्क क्या आया है फेस्टिवल में. फ़र्क इस साल यही आया है जो है कि मार्केट में इस समय बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, घर से बच्चों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो कोविड की वजह से जो है काम पर तो असर पड़ा है. जब बच्चे ही मार्केट में नहीं निकलेंगे तो फिर पिचकारी कौन खरीदेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब लास्ट ईयर जो सेल आपका हुआ था आपके शॉप से, तो उसके अकॉर्डिंग इस साल कैसी सेल आपके? अगर हम परसेंटेज में लें इस चीज़ को, तो क्या परसेंटेज में? परसेंटेज इस समय जो है 50% है. 50%. बिल्कुल 50%. अगर पिछले साल 100 रुपये की सेल थी, तो इस बार 50 रुपये की भी सेल है या उससे भी कम? नहीं नहीं, लगभग 50%. लगभग 50% है. चलिए, हम लोग उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और हर किसी की सिचुएशंस बेटर हो जाए. तो जैसा कि मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, जबकि मैं दो तीन दिन पहले ही बहुत सारे कलर्स वगैरह खरीदा था,
और जो मैंने कलर्स पहले ख़रीदे थे उसके मैंने दो वीडियो में उन कलर्स को अच्छे से यूज़ भी किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ही। लास्ट जो वीडियो अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है, होली चैलेंज वीडियो, फन चैलेंज वीडियो, तो ज़रूर उसे देखिए। और मैंने एक डांस वीडियो भी बनाया जो कि मेरे चैनल पे है, प्रियंका चैटर्जी के चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से जाके आप चेक करिए। तो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ होली के लिए। हम आ चुके हैं मार्केट से घर वापस, और अभी अभी आपने देखा कि हमने मार्केट में क्या क्या करा, क्या क्या शॉपिंग करी। तो नाउ अब पारी है गुजिया बनाने की, तो निक वहाँ पर गुजिया बनाने का जुगाड़ में लग चुका है और मुझे भी अभी जाना है हेल्प करने के लिए, और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं हम लोग। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, हमें जो गुजिया बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो इस तरह से है, मैदा, ये है कोकोनट पाउडर, ये है शुगर पाउडर, जो हमारा चीनी का बूरा जिसको हम बोलते हैं चीनी का बूरा, मिल्क यहाँ पर हमने रख लिया है, खोया हम ले रहे हैं यहाँ पे, सूजी एंड ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास यहाँ पर, किशमिश, और यहाँ पर हमारे को बनाने के लिए जो मोल्ड्स की जरूरत है मोल्ड्स है, और देसी घी। लास्ट में एक और यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है, इसका क्या काम होने वाला है लास्ट में वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा, घी चाहिए और वो भी। नाउ इसमें अब ऐड होगा दूध, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करना है, बाद में थोड़ा सा हम इसमें पानी का भी मिक्स करेंगे। हमें अब इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। सो गाइज, हमने जो बोला था कि कुछ एक ट्विस्ट है, तो हमने जो ये मैदे का जो डो बनाया है उनमें मिक्स करा है हमने कलर, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और ये पर्पल कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाउ जो इसका रिजल्ट आएगा बन के उसका ही वेट कर रहे हैं, और आपको फिर लास्ट में दिखाते हैं। हमें भी फुल डाउट है कि इसका कलर क्या आएगा, हमने भी जो सोच रहे थे वैसा लग नहीं रहा, लेकिन देखते हैं। चलिए, वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे घर पे गुजिया बन रहा है, और नाउ लेट्स सी, और वो भी गुजिया जो बन रहा है वो सिंपल नॉर्मल गुजिया बन ही नहीं रहा है, पूरा ही अलग कुछ बन रहा है। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, वेट करते हैं। नाउ यहाँ पर कढ़ाई में डल रही है खोया, हमने इसमें अपना खोए को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट होने के बाद खोए के हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स के बाद अब आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा आपको क्वांटिटी कुछ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये बेसिकली इसमें हमने नारियल का बूरा मिलाया है, और नारियल के बूरे के साथ इसमें किशमिश है और अपना चीनी का बूरा, और सब कुछ हमने पहले से रोस्टेड कर लिया है, और रोस्टेड करके हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अंदर की स्टफिंग बन चुकी है, बनके रेडी। हमारी गुजिया बन चुकी है, बट हमारी सीरियसली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दो। बहुत हालत ख़राब हुई है। जो बनाते हैं अपने अपने घरों में उन्हीं को ही ये पता होगा, तो बस आप लोगों को बताना। हाँ, स्वाद अनुसार बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। जो कलर का हमने जो ये करा हुआ था एक्सपेरिमेंट, आप देख सकते हैं कुछ खास मजा नहीं आया कलर के साथ में, कलर दब स्टिल थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल वाले कलर से, इन कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, दैट्स इट। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस कलर के हिसाब से तो नहीं आया है, इतना ही आया है जितना आपको दिख रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टेस्टी लगेगी, बात खत्म। ये मैं हूँ, ये मेरी गुजिया है, हमारी होली हो रही है। तो आई थिंक जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे, ये व्लॉग देखेंगे, मे बी होली खत्म हो गई होगी। गाइज, स्टिल आप लोगों को हैप्पी होली। तो जब भी ये वीडियो व्लॉग डलेगा, तो देखते हैं कब डलेगा, जब एडिट हो जाएगा तब डलेगा। तो
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में. टिल देन गाइस टेक केयर. बना बना के हालत खराब हो चुकी है. सेफ. हाँ हालत खराब हो चुकी है. देखो शक्ल पे दिख रही होगी, रंग बदल गए. अभी सीरियसली मैं हंस रही हूँ बट मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. टिल देन गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी होली. हैप्पी होली. बाय.